तो दोस्तों एलविस यादव जिस तरीके से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे, मैक्स स्टर्न और एलविस यादव की फाइट हुई थी, उसी के पहले एक कंट्रोवर्सी चली हुई थी जिसमें वो एनिमल हंटिंग के मामले में फंस गए थे। उनमें से 5 लोगों को तो पकड़ लिया था, लेकिन अभी एलविस यादव के ऊपर लगातार जांच चल रही थी। उन लोगों ने बताया कि भाई एलविस यादव भी इन्वॉल्व थे। जो नोएडा पुलिस है, नोएडा पुलिस ने एलविस यादव को पकड़ ही लिया है, क्योंकि वो हरियाणा का रहने वाला है और वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई नोएडा के अंदर। जिस तरीके से यहाँ पर एलविस यादव एंट्री करते हैं पुलिस स्टेशन में, उनसे पूछताछ की जाती है, फिर उनका इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनके जो फोन है वो ट्रैप किए जाते हैं, और उसके बाद में कुछ ऐसे प्रूफ नोएडा पुलिस के हाथों लग जाते हैं जिसकी वजह से नोएडा पुलिस उनको पकड़ लेती है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर एलविस यादव मुस्कुरा रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो काफी मुस्कुराते रहते हैं अपने किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस में। लेकिन आपकी क्या राय है, किस तरीके से यहाँ पर एलविस यादव का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हम दिखा देते हैं जिस तरीके से यहाँ पर एलविस यादव आते हैं थाने के अंदर और फिर मुस्कुराते हुए वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी में प्रसिद्ध है एलविस यादव। पत्रकार ने उनसे पूछा कि एलविस यादव भाई कुछ बोलिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद में एलविस यादव को जो है यहाँ पर नोएडा पुलिस लेकर जाती है, जो गौतम बुद्ध नगर जो जेल है उसके अंदर बंद कर देते हैं। एलविस यादव के काफी फैंस ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि एलविस यादव भाई कब वापस आएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर एनिमल हंटिंग 120A के माध्यम से उनको पकड़ा गया है और कुछ प्रूफ भी पुलिस के हाथों लगे हैं, सभी के सभी अदालत के अंदर रखे जाएंगे कोर्ट रूम में। और एलविस यादव उसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से बेल पर आते हैं या वो निर्दोष होते हैं, किस तरीके से क्या होगा, सभी आगे वीडियो में अपडेट करेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें एलविस यादव थाने के अंदर आए, उसके बाद में फिर मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, वो जेल के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब पुलिस वालों से बात करते हुए जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ क्या होगा, कितने टाइम तक करना होगा, क्योंकि भाई यंग लड़का है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि निर्दोष हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है भाई ये मुर्जिम हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस इसको पकड़कर लेकर जा रही है, पुलिस के पास काफी ऐसे एविडेंस होंगे, काफी प्रूफ होंगे जिसकी वजह से पुलिस लेकर जा रही है, ठीक है। और सारे के सारे जो सॉल्यूशन होगा वो कोर्ट रूम में होगा, लेकिन यहाँ पर नोएडा पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। कि आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा आवश्यक है। एलविस यादव को यहाँ पर सही पकड़ा गया है या फिर गलत पकड़ा गया है, वो उस स्नैक वाले मामले में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, मैक्स स्टर्न के साथ जो फाइट हुई थी क्या उसके बाद में कोई ये निगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर लगा है, उनका करियर किस तरीके से किस तरफ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ है बिग बॉस सीजन OTT 2 के विनर थे और उनको बेस्ट ऑफ द ईयर OTT सीजन का भी मिला था उनको, ठीक है। उसके बाद में एक नया शो आने वाला था कैरी मिनाटी के साथ में, उसमें से भी वो वापस आ गए हैं, और क्या होगा उनके करियर के साथ में देखते हैं आगे फ्यूचर में। नई वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या एलविस यादव इस केस में इन्वॉल्व थे या फिर उनको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।